फ्रेंड्स, इस वक्त की एक बड़ी खबर कोलकाता एयरपोर्ट को लेकर आ रही है, जिसकी जानकारी हम अभी आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। कोलकाता एयरपोर्ट, जो कि मार्च महीने से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बंद पड़ा हुआ है और भारत सरकार के लगातार कोशिशों के बावजूद भी वेस्ट बंगाल की सरकार ने अभी तक कोलकाता एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नहीं खोला है। इससे पहले कोलकाता एयरपोर्ट से देश के 6 डोमेस्टिक एयरपोर्टों से भी उड़ानों की मंजूरी नहीं थी, लेकिन फ्रेंड्स, अब 1 सितम्बर से देश के एयरपोर्ट जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे एयरपोर्टों से भी अब कोलकाता एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू हो गई है। यानी कि अब कोलकाता एयरपोर्ट को देश के सभी एयरपोर्टों से जोड़ दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि बात करें कोलकाता एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कब से शुरू हो रही है, तो फ्रेंड्स, इसमें अभी तक कोई भी ठोस जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ानें सितंबर महीने से शुरू होंगी या कि नहीं। क्योंकि यदि वंदे भारत मिशन की उड़ानों की लिस्ट देखी जाए तो उसमें कोलकाता एयरपोर्ट के लिए एक भी उड़ानों को शामिल नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, यदि आपने वंदे भारत मिशन की नई लिस्ट नहीं देखी है तो उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां पर आप क्लिक करके वंदे भारत मिशन 6 की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। उस लिस्ट में देश के सभी बड़े एयरपोर्टों के नाम शामिल हैं सिवाय कोलकाता एयरपोर्ट के। सभी लोगों को उम्मीद थी कि वेस्ट बंगाल की सरकार सितंबर महीने से कोलकाता एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए खोल देगी, लेकिन फ्रेंड्स, अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि कोलकाता एयरपोर्ट को अब सितंबर महीने में ना खोलकर अक्टूबर महीने तक इसकी डेट जा सकती है। यानी कि कोलकाता एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की नई डेट अब अक्टूबर महीने की निकलकर सामने आ रही है। यदि आप कोलकाता एयरपोर्ट पर जाने की सोच रहे हैं तो फ्रेंड्स, आप भारत के किसी भी दूसरे नज़दीकी एयरपोर्ट पर अपनी टिकट की बुकिंग करके वहाँ से बाय रोड या फिर बाय एयर ट्रैवल करके कोलकाता एयरपोर्ट पर जा सकते हैं। जैसे कि यदि आपको दिल्ली एयरपोर्ट की टिकट मिल रही है तो आप दिल्ली एयरपोर्ट पर चले जाइए और दिल्ली एयरपोर्ट से डोमेस्टिक फ्लाइट की बुकिंग करके आप कोलकाता एयरपोर्ट पर भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।